अबखाजिया एक गुमनाम देश, अबखाजिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया जानती ही नहीं, मानती ही नहीं। शायद ही आपने अबखाजिया देश का नाम सुना होगा, और जिन्होंने सुना होगा वो यहाँ गए ही नहीं होंगे। ये इलाका पूर्वी यूरोप में काला सागर और काकेशस पर्वतों के बीच स्थित है। 1980 के दशक के आखिर में जब सोवियत संघ बिखरना शुरू हुआ तो अबखाजिया भी जॉर्जिया से आजाद होने के लिए तैयारी करने लगा। जॉर्जिया सोवियत संघ से स्वतंत्र होना चाहता था और अबखाजिया उसकी पाबंदी से। अबखाजिया ने 1990 के दशक में खुद को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था। उससे पहले 1930 के दशक से अबखाजिया सोवियत संघ के गणराज्य जॉर्जिया का हिस्सा था, लेकिन इसे काफी ऑटोनॉमी हासिल थी। जब 1991 में जॉर्जिया ने सोवियत संघ से आजादी का ऐलान किया तो अबखाजिया के वाशिंदों को लगा कि उनकी स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। तनाव बढ़ा और 1992 में गृह युद्ध छिड़ गया। शुरुआत में तो जॉर्जिया की सेना को बढ़त हासिल हुई और उसने अबखाजिया के बागियों को राजधानी सुखुमी से बाहर खदेड़ दिया, लेकिन विद्रोहियों ने फिर से ताकत जुटाकर जॉर्जिया की सेना पर तगड़ा पलटवार किया। इस लड़ाई में दसियों हजार लोग मारे गए, जिसके बाद जॉर्जियाई मूल के 2 लाख से ज्यादा लोगों को अबखाजिया छोड़कर भागना पड़ा। इस काम में रूस की सेना ने भी अबखाजिया के बागियों की मदद की थी। सोवियत संघ के जमाने में अबखाजिया सैलानियों के बीच बहुत मशहूर था। हल्का गर्म और हल्का सर्द मौसम सैर सपाटे के बहुत मुफीद माना जाता था, लेकिन 1990 के दशक में जब से गृह युद्ध छिड़ा, यह देश सैलानियों से वीरान हो गया। जॉर्जिया की सेनाएं यहां से पीछे हट गईं। आज यहां के होटल और रेस्टोरेंट वीरान पड़े हैं। हालांकि अभी भी अबखाजिया की सीमाओं पर रूस की सेना का कब्जा है, इसीलिए ये नाम का स्वतंत्र देश है। हकीकत में अबखाजिया रूस की कठपुतली है। अबखाजिया को केवल 5 देशों रूस, निकारगुआ, सीरिया, नाउरू और वेनेजुएला से मान्यता मिली है। अबखाजिया को भारत ने भी मान्यता नहीं दी है। 1990 के दशक से चली आ रही लड़ाई की वजह से यहाँ मलबों के ढेर लगे हैं। अबखाजिया की करेंसी रूस की रूबल है। देश के ज्यादातर संपत्तियों पर रूस का ही कब्जा है। अबखाजिया के पास अपनी संसद भी नहीं है। यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन भी वीरान हैं। पड़ोसी देश जॉर्जिया ने तो बकायदा कानून बना रखा है जिसके तहत अबखाजिया जाने की मनाही है। यहाँ पर सिर्फ रूस के लोग घूमने फिरने आते हैं।